तो आपकी एवरेज कहीं ना कहीं आपको 12 के एयरफेयर में पड़ जाएगी, और चांसेस हैं लॉन्ग ट्रिप पे आपको 16 की मिल जाए। कितना ही एक्सपीरियंस हो पहाड़ों का, वहां पे आप एवरेज ज्यादा अच्छी नहीं निकाल सकते। रोल के सारे वेरिएंट्स में 203 हॉर्स पावर है, आपको हर 10,000 किलोमीटर में ये चीजें चेंजेस कराने पड़ेंगी। जो दिल्ली एनसीआर से है उनके लिए ये तो एक मेन चीज है ही है। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भैया हम ना दिल्ली एनसीआर के बाहर बेच देंगे, उनकी गाड़ियां घर से उठा रहे हैं। जब चालू होती है, ठंडी होती है तो थोड़ा साउंड करती है। 2 महीने के अंदर मेरी गाड़ी अभी तक, बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि यार डीजल और पेट्रोल के क्लच सॉफ्ट और हार्ड है, कोई भी रिग्रेट नहीं है कि हेलो जीके फैमिली वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई तुम्हारा जीके भाई आ गया फिर से आज एक नई वीडियो लेके, और ये जो वीडियो होने वाली है ना भाई, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि पेट्रोल ले या डीजल ले, पेट्रोल में क्या एवरेज आ रही है, डीजल में क्या एवरेज आ रही है, पेट्रोल बेनिफिट है या डीजल बेनिफिट है, हम कौन सी ले ये बता दो, आप क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि आप ये गाड़ी चला रहे हो, आपने ये गाड़ी दोनों चलाई है। हाँ भाई मैंने दोनों गाड़ियां चलाई हैं, और दोनों के मैं कस्टमर से भी मिला हूँ, उनके रिव्यूज भी सुने हैं कि मेरे डीजल को लेके क्या रिव्यूज रहे हैं पेट्रोल होने के बाद भी, और एक डीजल ओनर के क्या रिव्यूज हैं पेट्रोल गाड़ी के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अब जो क्वेश्चन है कि हम पेट्रोल लें या डीजल लें, तो भाई सबसे पहले तो जो इनमें डिफरेंस है ना, हाँ भाई इट इज़ ट्रू कि इनके प्राइस में भी डिफरेंस है। जैसे मैं अगर Z4 की ही बात करूँ तो इंट्रोडक्टरी की बात करते हैं, तो जो पेट्रोल वेरिएंट था वो 13.5 का था और डीजल वेरिएंट 14 का था, ठीक है, लगभग 50,000 का डिफरेंस है। और अगर आप टाटा वगैरह में जाओ तो 1,00,000 का फर्क आ जाता है पेट्रोल और डीजल में, सेम मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग मॉडल्स की नहीं, सेम मॉडल में पेट्रोल और डीजल में अगर आप ट्राई चेक करो तो महिंद्रा के इस मॉडल में स्पेशली 50,000, महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ी में 50,000 के आसपास का फर्क है, और टाटा लगभग 1,00,000 का फर्क कर देता है। अब पेट्रोल और डीजल का जो सबसे बड़ा पंगा, जो सबसे मेजर क्वेश्चन है कि भैया पेट्रोल गाड़ी आपको एवरेज क्या दे रही है जो आप चला रहे हो, तो यार देखो अगर आप इतने बड़े इंजन के साथ एवरेज को इतना ज्यादा कंसर्न करके चलोगे ना यार, कि मारुति के हिसाब से एवरेज देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे पेट्रोल को लेके, क्योंकि पेट्रोल आपको 10 के हेरफेर में ही एवरेज देगी ये गाड़ी, इससे ज्यादा नहीं देगी। मैं वो ये नहीं कह रहा कि हमेशा 10 देगी, वो कभी 9 भी देगी, वो 8 भी देगी, वो कभी 12 भी देगी, 12.5, डिपेंडिंग कि आप कहाँ चला रहे हो और कैसी चला रहे हो। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चला रहे हो तो ऑब्वियसली एवरेज कम होगी। आप एकदम रेव कर रहे हो 3,000-4,000 आरपीएम पे उठाने के लिए और एकदम खटाक दूसरा गियर फिर रेव तीसरा गियर रेव ओवर स्पीडिंग में चला रहे हो तो भाई एवरेज नहीं आएगी। हाँ इस गाड़ी को आप प्यार से उठा के 2,000 आरपीएम के अंदर शिफ्ट करते जाते हो तो आपकी एवरेज ये भाई लॉन्ग रूट पे ना 12-13 भी देगी। एक बंदे ने कमेंट करा था कि भाई उसको 14 की एवरेज मिल रही है पेट्रोल में, 14-14.5 की उसकी नापी हुई एवरेज, वो ट्रिप पे लेके गया था लॉन्ग ट्रिप 400-500 किलोमीटर का। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपने एवरेज नहीं बताई है, मैंने एवरेज भाई मैं 10 के एयरफेयर में बोल रहा हूँ। हाँ शुरू में जब नई नई गाड़ी आई थी हमने बहुत प्यार से चलाई थी एक दो दिन, तो भाई इसने 12-13 की एवरेज भी दी थी मेरे को। उसके बाद भाई एक हमारे भाई सब्सक्राइबर है, उनका टैंक टू टैंक को लेकर बहुत टेक्स्ट आता है, तो यार मैं टैंक टू टैंक की वीडियो डालूंगा। मैं किसी चीजों में घर में फंसा हुआ हूँ तो अभी मेरे को फैमिली के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको छोटे से इशू की वजह से। अब भाई तो पेट्रोल एवरेज तो आपको 10 के एयरफेयर में देगी राउंड करके, मतलब कि आप कभी आपकी 8-9 आ रही है, कभी 13-14 आ रही है, तो राउंड फिगर करके आप 10-10.5 की एवरेज मान लो इसकी, ठीक है। हाँ अगर आप एक चलाते, आपके चलाने का बिहेवियर ऑलवेज कॉन्स्टेंट एक प्यारा सा अच्छा सा रहता है, तो आपकी एवरेज कहीं ना कहीं आपको 12 के एयरफेयर में पड़ जाएगी पेट्रोल में। और ये अगर आप डीजल लेते हो तो आपको 14-15 के एयरफेयर में मिल जाएगी, और चांसेस हैं लॉन्ग ट्रिप पे आपको 16 की मिल जाए। हालांकि पेट्रोल को भी अगर आप लॉन्ग रूट पे लेके चलते हो और 2000 आरपीएम में शिफ्ट करके 80-90 के एयरफेयर में चलाते हो तो आपके भाई ये 12-13 की एवरेज दे सकती है। बाकी लॉन्ग ट्रिप जब करूंगा तो साथ में वीडियो आई जाएगी आपके साथ, क्योंकि मेरे को ट्रिप्स भी करने हैं इस गाड़ी के साथ, प्लान करते हैं, इश्यू सॉल्व हो जाए तो फटाफट से ट्रिप शुरू करते हैं। पेट्रोल और डीजल में आपने इनिशियल प्राइस तो देख लिया, लेकिन इसके बाद जो रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की पेट्रोल और डीजल में उसका भी फर्क है। उसका क्या फर्क है भाई, उसका फर्क ये है कि एक तो जो आप डीजल इंजन आ रहे हैं इसमें एड ब्लू का जो ये सिस्टम है, इसके चक्कर में आपको डीजल के साथ हमेशा एड ब्लू डालना पड़ता है, जो कि कुछ किलोमीटर्स में 2,000-3,000-2,500-3,500 किलोमीटर में जाके खत्म हो जाता है। तो आपको अपने पास एक लॉन्ग ट्रिप पे ना उसका बैकअप रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर्च्यूनर में एड ब्लू आप फुल कर दो और वो हार्डली 2,500-3,000 किलोमीटर में या 2,000-3,000 किलोमीटर के आसपास खत्म हो जाता है। एड ब्लू हाँ इसमें भी डलेगा, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं डीजल के साथ तो आपको एड ब्लू का अपने पास स्टॉक डिक्की में लेके चलना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 बॉटल कम से कम होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए मैंडेटरी, और उसके भी एक बैकअप के लिए एक दूसरी बॉटल होनी चाहिए। उससे आप ट्रिप पे कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कुछ इश्यू आता है, आप एड ब्लू डालें और अपनी ट्रिप कंटिन्यू करें। अब जब इस मामले में पेट्रोल की बारी आती है तो यार पेट्रोल आपको बस गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और चलना है,
और कुछ नहीं करना। लेकिन अब यहाँ पे जो एवरेज की हम बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पे एक ये पॉइंट आ जाता है, अगर आप पहाड़ों पे हो जहाँ पे पेट्रोल पंप्स के गैप ज़्यादा है, तो वहाँ पे डीजल आपको एवरेज ज़्यादा देगा और पेट्रोल एवरेज कम देगा, क्योंकि ये जो 10-12 की एवरेज है ना लॉन्ग रूट पे आप सीधी सीधी चला रहे हो हाईवेज पे तो सही है, लेकिन जब पहाड़ आ जाएंगे जहाँ पे आप स्पीडिंग नहीं कर सकते हो, वही पहाड़ों पे आप कितनी चला लोगे, 40 चला लोगे, 50 चला लोगे। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भाई 40 से ऊपर गाड़ी बहुत मुश्किल चलती है, रोड खाली हो तब आप चला सकते हो, नहीं तो चलान वैसे ही जिंदाबाद है आजकल, ठीक है। तो पहाड़ों के ऊपर आप जब दूसरे तीसरे गियर पे गाड़ी चलाओगे ना, टर्न्स पे गियर चेंज करोगे, कितना ही एक्सपीरियंस हो पहाड़ों का, वहां पे आप एवरेज ज्यादा अच्छी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हिल होता है, चढ़ाई भी होती है, स्लोप होता है, तो उसके हिसाब से एवरेज कहीं डाउन होती है। उस केस में आपका डीजल एवरेज अच्छी देगा, लॉन्ग टर्म देगा, लेकिन डीजल को आप सोचो कि डीजल में मैंने सस्ता है, मैंने पैसे बचा लिए, भाई उतने का ही एड ब्लू डल गया, ठीक है। सेकेंडली मेंटेनेंस कॉस्ट की बात आ रही थी ना, मेंटेनेंस कॉस्ट का बताता हूँ। आपने डीजल गाड़ी लेने के चक्कर में देखा कि भैया मेरे पेट्रोल बचेगा और मेरे को फायदा है, डीजल पावर मिलेगी, ये मिलेगा, ऑल्डो इस गाड़ी में पेट्रोल में ज्यादा पावर है भाई, 203 हॉर्स पावर है पेट्रोल में, जबकि डीजल में कम है, 170 हॉर्स पावर वैसे है, और जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है इनका मैनुअल, उसमें तो कुछ 135 हॉर्स पावर ही है, 130 135 के आसपास। तो पेट्रोल में तो मैनुअल, पेट्रोल के सारे वेरिएंट्स में 203 हॉर्स पावर है, टॉर्क भी अच्छा खासा 380 390 Nm का टॉर्क दे रखा है इन्होंने, तो उसके हिसाब से गाड़ी चलने में तो कुछ इशू है नहीं। अब मेंटेनेंस की जो बात कर रहे थे ना भाई, अगर आप इसका मैनुअल देखो, जो इसके फिल्टर्स चेंज होते हैं, जो इसका ऑयल चेंज होता है, इसमें जो भी इंजन में पार्ट है, ऑयल फिल्टर्स, इंजन ऑयल, ये सब, ये जो चेंजेस होने का है ना, पेट्रोल का है सबसे पहली बार पे 10,000 पे, और उसके बाद हर 20,000 पे, यानी कि आप 10,000 की सर्विस पे जब जाओगे तो आपके इंजन चेंज होंगे, फिर आपके जो चेंज होंगे ना वो होंगे आपके काफी सारे पार्ट्स आपके 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज हो रहे हैं, ऑयल्स, ब्रेक ऑयल, सब काफी सारी चीजें, जबकि डीजल इंजन में आपको हर 10,000 किलोमीटर में ये चीजें चेंजेस कराने पड़ेंगी। अब वो ठीक है अगर आप कंपनी से नहीं कराते, कुछ लोग बाहर से कराते हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ है भी नहीं, अगर आपका ऑयल चेक करने का और आपका बंदा अच्छा है तो आपको बता देगा कि भाई अभी कुछ कराने की जरूरत नहीं, आप 1,000-2,000 आसपास और करा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी आपको हर 10,000 में कराने पड़ेंगे, बिकॉज डीजल थोड़ा रॉबस्ट चलता है, रफ चलता है, तो उस चीजों में आपको डीजल की मेंटेनेंस यहां मारेगी कि जो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें आपको हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराना पड़ रहा है, पेट्रोल में 20,000 पे। अब फॉर द यूजर्स जो दिल्ली NCR से हैं, उनके लिए ये तो एक मेन चीज है ही है कि यहां पे पेट्रोल गाड़ी तो चल रही है भैया 15 साल और डीजल गाड़ी चल रही है 10 साल। अब आपने डीजल गाड़ी ले ली कि भैया मैं तो पावर का मजे लूंगा, डीजल चलाऊंगा, डीजल में ज्यादा मजा है। अब सोचो आपने 7-8 साल गाड़ी चलाई और जब इसको रीसेल का टाइम आया, आपके पास एक पेट्रोल है और एक डीजल है, ठीक है। अब आप डीजल अगर बेचने का केस भी समझ लेते तो पेट्रोल का जो रीसेल मिलेगा ना वो डीजल का नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसका लाइफ है वो कम हो रही है। हाँ, अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भैया हम ना दिल्ली NCR के बाहर बेच देंगे, यस आई अग्री, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपका पेट्रोल है तो भी आपको उसका प्राइस ज्यादा मिल सकता है, ये बात सच है, और गाड़ी जल्दी बिक सकती है, ये भी सही है। सेकेंडली, अगर आपके पास गाड़ी आपको दूसरी 7-8 साल के बाद चेंज करनी है और आपको गाड़ी पसंद है और अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं इसे बिना बेचे दूसरी गाड़ी ले सकता हूँ, तो आप अगर इसको नहीं भी बेचोगे ना तो आप 10 साल के बाद चला सकते हो, लेकिन डीजल गाड़ी आपके लिए बेचनी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि आजकल दिल्ली में क्या हो रहा है, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हो चुकी है ना, लोग उन्हें की गाड़ियां 10 या 15 साल, उनकी गाड़ियां घर से उठा रहे हैं, वो हो रही है कि भैया अब तुम ये गाड़ियां खत्म करो, बहुत पॉल्यूशन फैला लिया, बस हो गया। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी पेट्रोल या डीजल दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा है, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म रेस की बात करें ना, अगर डीजल और पेट्रोल, तो भाई मेरे को लगता है कि पेट्रोल जीत जाएगी, क्योंकि हॉर्स पावर ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, तो इसलिए पेट्रोल जीत जाएगी। अब अगर किसी को चलाने में वो क्राउड चाहिए ना, जो इंजन का रोर साउंड होता है, तो भाई वो डीजल में ज्यादा है, मैंने खुद फील किया है, वो डीजल में ज्यादा है, मैंने डीजल चलाई है, पेट्रोल भी चलाई है। पेट्रोल कार ना बहुत साइलेंट है, एक स्लीक सी, आप इसे रात में भी लेके निकलो ना, हाँ जब चालू होती है, ठंडी होती है तो थोड़ा साउंड करती है, एक मिनट के बाद ये शांत हो जाती है, जब इसका इंजन लेवल हीट का अच्छा सा आ जाता है तब ये ठीक हो जाती है, लेकिन डीजल में वो रोर मिलता है जो पेट्रोल में नहीं मिलता। सेकेंडली, अगर इसके स्टीयरिंग पे हाथ रखो तो एक क्रैंक करते हुए, इसको स्टार्ट करते हुए, पेट्रोल में ना कुछ वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, जीरो वाइब्रेशन है, ठीक है, कोई साउंड, कैबिन साउंड, वाइब्रेशन कुछ नहीं है, लेकिन डीजल में ना वो वाइब्रेशन फील होती है, चलते वक्त नहीं, चालू होते टाइम डीजल में स्टीयरिंग पे वो वाइब्रेशन सी फील होती है, हाँ भाई कुछ चालू हुआ है। अब अभी कुछ वाइब्रेशन अंदर नहीं है, लेकिन जब गाड़ी चलेंगी, कुछ पार्ट्स घिसेंगे, रबड़ पार्ट्स ऊपर नीचे होंगे, तो हो सकता है कि भैया डीजल इंजन के अंदर आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है गाड़ी के अंदर, वो भी तब जब आप गाड़ी लेके चल रहे। SUVs के साथ ऐसा होता है, पुरानी स्कॉर्पियो के साथ होता था, इस केस में इसमें वैसे बहुत चेंजेस है, लेकिन वो चीज फ्यूचर में पता लगेगी, अभी वो बात किसी को भी नहीं पता है। ऑल्दो दोनों ही अपनी जगह पे सही है, लेकिन दिल्ली NCR में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे
तो उसमें डीजल आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। मतलब डीजल धोखा नहीं देगा, लेकिन आपकी जो रूल्स हैं वो आपको धोखा देके आपकी गाड़ी ले जाएंगे। आजकल कई लोग हैं जिनके पास स्विफ्ट है भाई, 10 साल पुरानी डीजल, अब वो परेशान है कि भैया गाड़ी चली नहीं है, क्या करें इसका, और बेचनी पड़ रही है 15 साल। बहुत बहुत दिक्कत चल रही है इस चीज को लेकर। यहाँ पे एक बेनिफिट है पेट्रोल गाड़ी को लेने का लॉन्ग टर्म, प्लस एवरेज को लेके पहाड़ों पर अगर आप चाह रहे हो तो। हाँ, अब आपकी रनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 13 जनवरी को गाड़ी ली थी और आज ना अभी हो गई है 16 मार्च, यानी कि 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, 2 महीने से 2 दिन ऊपर ही हो गए हैं। 2 महीने के अंदर मेरी गाड़ी अभी तक 1000 किलोमीटर एग्जैक्ट टच नहीं हुई है। मेरी गाड़ी चली है भाई 951 किलोमीटर टोटल। अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हो और अगर आपकी गाड़ी महीने में 1000-1500 किलोमीटर भी नहीं चल रही है, तो भाई कोई फायदा नहीं है उसकी डीजल गाड़ी को लेने का, बिकॉज डीजल गाड़ी को ना चाहिए रनिंग। अब जैसे कि अगर आपकी गाड़ी महीने की लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर चल रही है, यानी कि डेली की 50 किलोमीटर की मैं मिनिमम रनिंग मान लूं उसकी, डेली की 50 किलोमीटर चलेगी ना तो 2 दिन में 100 किलोमीटर हो गई, डेली की 50 किलोमीटर चलेगी ना तो 1 महीने के 1500 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए, और 50 एग्जैक्ट तो चलेगी नहीं भाई, थोड़ी ऊपर नीचे भी चलेगी, सैटरडे संडे कहीं तो जाओगे, तो यानी 1500 से 2000 आपका मिनिमम रन हो जाएगा। तो आपको डीजल बेनिफिट है, वो भी तब अगर आप 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर गाड़ी बदलने का सोच रहे हो, अगर दिल्ली एनसीआर से हो, बाहर से हो तो अलग बात है, उस केस में आपके लिए डीजल कार बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैंने इसीलिए भी पेट्रोल लिया बिकॉज मेरी रनिंग इतनी हार्ड ट्रिप्स करने हैं, लेकिन इतने रेगुलर मेरी अभी तक इतनी रनिंग नहीं है। अगर इतनी हुई तो भाई और भगवान की दुआ रही आप लोगों के साथ रहा, तो फिर एक और गाड़ी भी ले आएंगे जो कि डीजल होगी। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि यार डीजल और पेट्रोल के क्लच सॉफ्ट और हार्ड है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों गाड़ियों का क्लच अच्छा है, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों का एक है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों गाड़ियां एकदम रुकती है। और हैवी ब्रेकिंग पे 70-80 पे जाके अगर आपने एकदम ब्रेक कर दी, दोनों में से कोई भी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं भागती अगर आप स्टेयरिंग नहीं घुमाओगे, एकदम स्टेबल जाके रुकती है गाड़ी, पेट्रोल हो या डीजल हो। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दें, सब कुछ सेम है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल का फर्क है, और वो भी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे डीजल महंगा है तो पेट्रोल वेरियंट ले लेते हैं जिनकी रनिंग नहीं है, लेकिन अगर आपकी रनिंग है तो आप डीजल में जा सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। तो ये कुछ मेजर पॉजिटिव नेगेटिव हैं पेट्रोल और डीजल को लेके, तो आपको जो बेटर लगे आप ले सकते हैं। बाकी हाँ, मेरी गाड़ी इतनी रनिंग नहीं है तो मैंने पेट्रोल लिया, और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने पेट्रोल लिया है, मैं इस गाड़ी से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को जब भगानी होती है तो भागती भी है, और एवरेज हाँ इतना कुछ फर्क नहीं है भाई, 10-11 के आसपास दे रही है, बट मेरी इतनी रनिंग नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ट्रिप्स पे जाऊंगा तो अब देखते हैं ट्रिप पे जाने के बाद मेरे को क्या फर्क पड़ता है पेट्रोल और डीजल के अंदर। अब वो तो ट्रिप पे जाएंगे भाई तो पता लगेगा, और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर जरूर किया जाएगा। अब अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताएं कि आपके व्यूज हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर, और आपको अगला टॉपिक क्या मन कर रहा है देखने का वो जरूर बताएं कि आपके क्या क्वेश्चन है, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाएंगे। अब तब तक के लिए भाई बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।